तो बच्चों कल तक हम जान चुके थे 9th क्लास का जो हम साइटोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग जान चुके थे सेल वॉल के बारे में, इंट्रोडक्शन किसका क्या था एंड ऑल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में कुछ और डिटेल्स, ठीक है। तो मैं कुछ टर्म्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप सभी को सेल वॉल के फंक्शन तो पता ही है ना, आज मैं आपको सेल वॉल के कुछ फर्दर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल और ये कंटिन्यूस चल रहा है हमारा चैप्टर, ठीक है। ये टॉपिक भी कंटिन्यूस ही है। और देखो मैं एक टर्म पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मो लाइसिस। अभी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? इससे पहले सेल वॉल का एक और फंक्शन है कि ये प्रिवेंट करता है, सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम रप्चरिंग, है ना। ये सेल वॉल को क्या नहीं देता? फटने नहीं देता है, मतलब सेल को फटने नहीं देता है सेल वॉल, ठीक है ना। ये सेल को रप्चर होने से बचाता है। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल की क्या क्या एक्टिविटी शो होंगी। आप सभी को पता हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? यस सर, ओके okay. जो मोटर तो देखो मैंने एक तरफ ले रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक बीकर लिया मैंने, ठीक है। इस बीकर के अंदर फिल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर फिल है। अब अगर मैं इसके अंदर प्लांट सेल को प्लेस करूं, इसके अंदर मैंने प्लेस कर दिया है प्लांट सेल को, ठीक है। इस तरह से मैंने प्लांट सेल को प्लेस कर दिया है। ये ब्लैक कलर से मैंने इसकी सेल वॉल बना दी है और अंदर में ब्लू कलर से मैंने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है। इसके बाद होगा क्या? इस सो एक मिनट, स्वेल अप नहीं होता है हाइपरटोनिक में, आप याद करें। ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। श्रिंक होता है। ई मैंने इसमें ई पे ई को अलग डिजाइन से बनाया था उस दिन, और ओ को मैंने उसकी स्पेलिंग में अलग डिजाइन से बनाया था, आपको याद होगा। अब सुने तो होगा क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ये पानी है ये बाहर निकल करके आएगा, पानी बाहर निकल जाएगा इस सेल से, ठीक है। लेकिन अच्छा, पानी इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा और होगा क्या, मैं तुम्हें अगर बताऊं डिटेल में, तो ये है प्लांट सेल। सेल वॉल की वजह से इसकी बाहर की शेप तो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अंदर से क्या होगा, अंदर से इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी, समझ रहे हो। मैंने बताया था ना, अभी सेल की शेप क्या है, मेंटेन है या नहीं है, समझ गए। और इसके अंदर से पानी निकल जाएगा, तो अंदर से तो सेल श्रिंक हो गई है लेकिन बाहर से अभी भी इसकी शेप मेंटेन है, अभी भी इसकी शेप क्या है, मेंटेन ही है। हाँ, मेंटेन अभी भी इसकी शेप मेंटेन है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया प्लाज्मोलाइसिस क्या होता यस सर। है? प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम इसको प्लेस करेंगे, तो इसके अंदर से जो सॉल्वेंट है, पानी है, वो मूव हो जाएगा बाहर की तरफ आने लग जाएगा। उसकी वजह से अंदर से जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो श्रिंक हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नली जो शेप है सेल की वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी।
ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, और इस सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे भाई इसको हम? प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है ना, याद रखना, इसको हम बोलेंगे। हाँ जी बोलिए सर, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो क्वेश्चन है वो नहीं करवाओगे? हाँ वो भी कराएंगे, पहले चैप्टर करा लें। ओके सर। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस में आपने देखा कैसे सेल वॉल ने सेल की शेप को मेंटेन रखा इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब मैं एक और चीज पढ़ाता हूँ आपको, कैसे सेल वॉल मेंटेन रखेगी इसकी शेप को इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिस प्रोसेस को मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है टर्जिडिटी। ठीक है ना, अब मैं तुम्हें टर्जिडिटी पढ़ाने जा रहा हूं। तो टर्जिडिटी क्या होता है सुनिए ध्यान से। अब इस बारी में क्या करूंगा, इस बार मैं सेल को प्लेस करूंगा एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इस बारी मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एक बी कर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने पहले तो एक सॉल्यूशन फिल करना है, ठीक है, और चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया है जो कि है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जानते हो ना क्या होता है, कैसे डेफिनेशन? हाँ, सेल तो फूल जाती है। डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की? विच कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट विद रेस्पेक्ट टू सेल। हाँ, विद रेस्पेक्ट टू सेल, सही है। तो देखिए यहाँ पे ये सेल मैंने पहले प्लेस करी है, ठीक है। अब होगा क्या, इसके अंदर वैक्यूल भी होगा, वैक्यूल का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में। फिलहाल ये प्लांट सेल है, मैंने इसको पुट किया है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने इसको प्लेस किया है। तो देखो होगा क्या, ये जो प्लांट सेल है, नॉर्मल अगर कोई सेल होती उसके पास अगर सेल वॉल नहीं होता तो वो फट जाती, ठीक है ना। लेकिन इस सेल का क्या होगा, ये थोड़ा सा स्वेल अप हो गई है लेकिन फटी नहीं है, है ना। अंदर की जो सेल है वो स्वेल अप हो गई, ठीक है बच्चों, यहां आपने देखा क्यों हुआ ऐसा सर? क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाली थी सेल। हाँ, तो इसीलिए जो पानी है वो कहां से कहां मूव करेगा, अपनी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ, yes, है ना, लोअर कंसेंट्रेशन। तो इसी वजह से सेल क्या हो गई है, स्वेल अप हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है इसने इस सेल को बचा लिया किससे, रप्चर होने से। किससे बचा लिया? रप्चर होने से, समझ गए। तो हमने दो फंक्शन देखे आज सेल वॉल के, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो इसने इसकी शेप क्या रखा, मेंटेन रखा है, क्लियर है ना। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या किया है इसने, सेल को किससे बचा लिया, रप्चर होने से बचा लिया, ठीक है, समझ गए बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अच्छा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्जिडिटी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्जिडिटी, और इस सेल को हम बोलेंगे टर्गर सेल, ठीक है। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, टर्गर सेल। तो आप लोग से अभी मैं पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स एंड अ टर्गर सेल, तो आप बता दोगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल तो यस सर,
किस सॉल्यूशन की वजह से बनती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से बनती है ना। और टर्गर सेल किसकी वजह से बनती है, कौन सॉल्यूशन की वजह से बनती है? हाइपोटोनिक टोनिक सॉल्यूशन की वजह से। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गए यहां तक? अच्छा अगर मैं इसको प्लेस करता आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ठीक है, वो आपको याद रखना है, अगर मैं इसको प्लेस करता आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तब हम उस चीज को क्या बोलते? तो उसकी शेप सेम रहती। हाँ शेप सेम रहती, ये बात आपने एकदम सही कही है। अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तब उस सेल को हम क्या बोलते आइसोटोनिक में? तब देखो बच्चों, उस सेल की एक तो जो शेप है उसमें क्या था, वो कोई सेम भी रहती। हाँ कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब मैं क्रॉस लगा के लिख देता हूँ नो चेंज, है ना, समझ गए? और उस सेल को हम बोलेंगे उस टाइम पर कि ये सेल है फ्लैसिड सेल। ठीक ना, नाम याद रखना तीनों के। सेल कैसी कहलाती? फ्लैसिड सेल। चल क्लियर है ना, फ्लैसिड सेल और टर्गर सेल और आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तीन तरह के टर्म्स को आप याद रख लोगे। ओके चलो, ये ही मुझे बताना था कि सेल वॉल करता क्या है एक्चुअल में, और सेल वॉल कैसी मेम्ब्रेन है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं यहाँ पे, बताना सेल वॉल कैसी मेम्ब्रेन है? परमीएबल है, सेमी परमीएबल है, इम्परमीएबल है या सेलेक्टिव परमीएबल है? बताइए क्या सही है इसमें से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेल वॉल कैसी, बताओ। सेलेक्टिवली परमीएबल। सेलेक्टिवली परमीएबल, आपने एक वोट आया सेलेक्टिव परमीएबल का, और बताइए। सर परमीएबल। परमीएबल का एक वोट आया है, और बताइए। सर परमीएबल। परमीएबल सर में एक, परमीएबल। अच्छा तो बच्चों इसका परमीएबल। सेमी परमीएबल में भी एक वोट आया है। देखो इसका सही आंसर मैंने बता दिया है क्या है, और कोई बोलना चाहेगा अब ऑप्शन? परमीएबल। हाँ परमीएबल, और परमीएबल कौन सी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सर कुछ सही है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज पढ़ा देता हूँ कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट है वो जान लीजिए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कैसी सेल बनती है सर? तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सर लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं वो मैंने पढ़ाया नहीं है ना, लाइसोसोम इसके बाद पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में होता क्या है, कई बार सेल में अगर कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, मतलब कोई भी एरर आ जाता है, तो लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम फटने से वो पूरी सेल को पचा देता है, डाइजेस्ट हो जाती है पूरी सेल, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। फिलहाल आप एक और कॉन्सेप्ट फोकस करें। देखो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मैं इस सेल को डिटेल में बताऊं तो देखो यहाँ पे जो ये प्लांट सेल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी फूल तो गई है, ठीक है, अंदर में जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने बना दी है ऐसे ही, अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, आप अगर देखें तो प्रेशर लगा रहा है ये वाली जो मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। प्रेशर जानते हो ना, दबाव, एक दबाव लगा रही है। yes, yes. और एक प्रेशर फिर उल्टा ये मेम्ब्रेन में लगाती होगी वापस इसकी तरफ। आपने अगर पढ़ा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, अगर आप एक तरफ फोर्स लगाओगे तो अपोजिट फोर्स भी आता है, आता है नहीं आता है ना? yes. तो इसको मैं नाम दे दिया है प्रेशर वन, और इसको मैं नाम दे दिया है प्रेशर टू, प्रेशर टू। हाँ
तो मतलब कि एक प्रेशर तो यहां पे हो जाता है आउटवर्ड प्रेशर, एक प्रेशर जो यहां पे है, ठीक है, जो जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब बाहर की तरफ लग रहा है, इसको हम आउटवर्ड प्रेशर बोलेंगे, बोलेंगे ना। तो ये प्रेशर है आउटवर्ड प्रेशर, ठीक है, और ये प्रेशर कौन सा है, इनवर्ड प्रेशर, इनवर्ड प्रेशर मतलब अंदर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है। अब इनके कुछ नाम है, तो इसको ये जो आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या समझ में आ गया, है ना, और जो अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है इसका नाम है वॉल प्रेशर, ठीक है ना, वॉल प्रेशर। आप बस इतना याद रखना, जो प्रेशर सेल वॉल लगाती है, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, और ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर है। तो आउटवर्ड प्रेशर किसने लगाया, सेल मेम्ब्रेन ने लगाया है, ठीक है ना, तो इसने जो प्रेशर लगाया वो लगाया टर्गर प्रेशर, और इसने जो प्रेशर लगाया वो क्या है, वॉल प्रेशर, समझ गए। तो टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर समझ में आ गया। तो सेल मेम्ब्रेन जो प्रेशर लगाया वो क्या है, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, पीटी लिख देता हूं, टर्गर प्रेशर। और जो वॉल ने प्रेशर लगाया वो कौन सा है, वॉल प्रेशर, समझ गए बच्चों। तो वॉल प्रेशर कैसा होता है, अंदर की तरफ लगता है, और बाहर की तरफ कौन सा प्रेशर लगता है, टर्गर प्रेशर, क्लियर है ना। और ये सब कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, ये सब हमें देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टर्जिडिटी, क्लियर है। और ये कौन से सॉल्यूशन में देखने को मिलता है वो मैंने आपको बताया था, ये हमें देखने को मिलता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर है बच्चों, सेल वॉल के बारे में इतना ही जानना था आपको, और आपका सेल वॉल का ये जो टॉपिक है ये ओवर हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है, अब मैं न्यूक्लियस पढ़ाने जा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन पूछना था, एक मिनट मैं इसके लिए, अच्छा इसको सेव कर लो, अब क्वेश्चन पूछो, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपका। हाँ जी पूछिए। सर CO2 जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में अंदर और बाहर सेल के अंदर कैसे मूव करते हैं? CO2 की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। अच्छा CO2, ठीक है। अच्छा बच्चों मैंने आपको तीन प्रोसेस बताई थी, डिफ्यूजन बताया था, है ना, डिफ्यूजन बताया था, ऑस्मोसिस बताया था, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया था, बताया था ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी, यस सर। और ये सब नोट से मिल जाएंगे। फिलहाल इस बच्चे ने एक डाउट पूछा, क्या नाम है बच्चे आपका? नहीं, लोभानी। अच्छा लोभानी, सुनिए भाई, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है मूवमेंट, सर मतलब तो क्या होता है डिफ्यूजन? हाँ जी बताओ बताओ सर, डिफ्यूजन सर ये था सर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। और मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन एकदम सही है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन गलत, ये डेफिनेशन गलत है, पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर, कौन बच्चा बता रहा है ये डेफिनेशन गलत है, ये केमिस्ट्री वाली बता रहा है, केमिस्ट्री वाले डेफिनेशन, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो भी सही डेफिनेशन है, लेकिन देखो डिफ्यूजन होता क्या है, यहाँ पे बस मूवमेंट हुआ किसका, पार्टिकल्स का, कहाँ से कहाँ, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, टिल इक्विलिब्रियम अकर्स। अब मैं इस बच्चे की बात को वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, कि आपने जो डेफिनेशन, देखो बच्चों रटा मत करो एक तो, ठीक है ना, रटना बंद कर दो एकदम, कि ये गलत है, हाँ कोई बात नहीं, है ना, अब मत रटना कभी भी, ओके सर, ओके। अब सुनो मैं आपके, मैं दोनों डेफिनेशन को बता दूंगा, दोनों डेफिनेशन कैसे करेक्ट हैं, ठीक है ना, उनका मीनिंग क्या है। अच्छा ये आपके रूम की कोई विंडो है, ठीक है, ये रूम का अंदर वाली सरफेस है, इधर
और उधर है बाहर वाली सरफेस, ठीक है, मतलब ये आपके घर के बाहर वाली सरफेस है, अंदर वाली, ठीक है। अच्छा, आपके घर में आग लग गई, मतलब आपने आग जला रखी है घर के अंदर, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सीधी सी बात है घर के अंदर CO2 बढ़ेगा, बढ़ेगा CO2? Yes, sir. बढ़ेगा ना CO2? Yes, sir. तो रूम के अंदर CO2 बढ़ेगा, जो मैंने रूम के अंदर की बात बताई है, ठीक है, यहाँ अंदर की बात कर रहे हैं। तो एक मिनट बच्चे, एक मिनट, तो रूम के अंदर CO2 बढ़ेगा, अब मुझे बताओ ये CO2 कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा? Yes, sir. जाएगा, अब मतलब, yes, sir, जाएगा सर। अगर अंदर CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीजनिक कंसेंट्रेशन अंदर में कम है, कम है या नहीं है? तो yes, होगा क्या बाहर, इसका मतलब क्या हो गया कि बाहर ऑक्सीजन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है ना, और अंदर अंदर CO2 क्या है, ज्यादा है, और बाहर CO2 क्या होता है, कम हो गया, कम। तो आप कंसेंट्रेशन देखिए, CO2 कहां से कहां मूव करेगा, अंदर से बाहर की तरफ, है ना, और ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से अंदर। तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, ये मूवमेंट कौन सी होगी, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ, डिफ्यूजन तो हो गई ना, क्लियर है ना। अच्छा, अब इस बच्चे ने एक बात बताइए सर, जो इंटरमिक्सिंग होता है गैसेस का, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो देखो, सिर्फ गैसेस का ही नहीं, हर चीज का जो मूवमेंट होता है अपनी कहां से कहां होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ ही तो होता है। अच्छा, अब सुने, अब एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस, हाँ, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ये आपने पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है। हाँ, तो एयर में जो है, अब देखो ये मूवमेंट कब तक चलेगी, एयर के अंदर CO2 कितना होता है, 0.1% के आसपास, 0.01, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, ठीक है। हाँ, अब जो इस बच्चे ने डेफिनेशन पढ़ी, ये इंटरमिक्सिंग तब तक चलती रहेगी आपस में, तब तक चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ कितना ना हो जाए, 21% ना हो जाए, और CO2 कितना ना हो जाए, 0.1, समझ गए बच्चों? तो इसलिए वो डेफिनेशन, वो डेफिनेशन भी सही है और ये भी सही है, क्लियर है सर? दोनों डेफिनेशन सही है सर। हाँ, अब मत बोलना कि ये गलत है, हम यहाँ गलत नहीं पढ़ा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर ना हाई, हाईएस्ट टू लोअर टिल एक फिल्म अकर। कितना रटते हो तुम सर, अब देखो इक्विलिब्रियम अकर, इक्विलिब्रियम मतलब जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। इसको मैं एक और केस से वेरीफाई करूंगा। ओके सर। देखो, आप अगर एक तरफ ज्यादा पानी भर दो, एक तरफ कम पानी भर दो, ये पानी जब तक यहाँ से यहाँ मूव करता है, जब तक दोनों तरफ क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाएगा। सर, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो तो मतलब सेल के लिए पूछा था मैंने। हाँ हाँ, बच्चे बच्चे सुनो, याद आ, सर में आ गया? यस सर। ओके, अब इस बच्चे का क्वेश्चन जरूर मैं क्लियर करूंगा अभी। अब सुने, ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होती है किसकी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कब तक, जब तक कि क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू स्पेशल चैनल्स, बताया था मैंने स्पेशल चैनल्स, कल भी हमने डिस्कस किया था। यस सर, चैनल्स, उन स्पेशल चैनल्स का क्या नाम होता है, पोरिंस, ये प्रोटीन ही होते हैं, स्पेशल चैनल्स, टिल इक्विलिब्रियम अकर, कब तक होगा ये काम, जब तक कि क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है ना। अब इस बच्चे का क्वेश्चन लेते हैं, इन्होंने बोला है कि सर सेल के बारे में पूछा है मैंने, ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, सेल का बता देते हैं।
एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। मान के चलिए ये कोई इंसान है, ठीक है, इंसान है यहाँ पे ये कोई, ठीक है, ये बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है, अंदर ले रहा है ना, बॉडी में अंदर ऑक्सीजन ले रहा है। yes, sir. ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरी हर एक सेल के पास तक पहुंचेगी, है ना, मतलब जितनी भी सेल्स हैं उन सब के पास ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो सेल अपने अंदर करती क्या रहती है, सेल अपने अंदर क्या करती रहती है, जैसे कोई सेल है तो सेल के अंदर ग्लूकोज होता है, जैसे कि ब्लड से ही ग्लूकोज पहुंच गया सेल के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज एक रिएक्शन याद रखना, C6H12O6, ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब कि जब ऑक्सीजन ऐड होगा इसके अंदर, तब क्या बनता है, तब बनता है 6CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर ना, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, और क्या मिलेगी हमें, एनर्जी मिलेगी, तभी तो हमें खाने से एनर्जी मिलती है। क्लियर है, अब सुनना बात को, एक एक कॉन्सेप्ट। ओके सर। अब ये ग्लूकोज अंदर आया और अंदर में ऑक्सीजन भी आ गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन बाहर है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा नहीं आएगा, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी नहीं बनी, बन जाएगी, और पानी बनेगा और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये CO2 धीरे धीरे हम देखेंगे कि सेल के अंदर ज्यादा कंसेंट्रेशन में बन गया, है ना, बढ़ता जाएगा ना। इसके बाद होगा क्या, जब इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी सेल के अंदर, तो ये भी अपनी हायर कंसेंट्रेशन से कहां जाएगा, लोअर की तरफ। तो जो गैस है CO2 है वो तो मूव करता है, जितनी भी गैसेस है आइदर वो CO2 हो या ऑक्सीजन हो, वो मूव करेगा डिफ्यूजन से। पानी का मूवमेंट जो होगा वो होगा ऑस्मोसिस से, सेल के अंदर और बाहर, ठीक है सर। ऑस्मोसिस क्या, क्या बोल रहे हो बच्चे, हाँ जी, और जितने भी आयन्स हैं, अरे बाबू का, हाँ कोई बात नहीं, जितने भी आयन्स हैं वो आयन्स मूव करते हैं स्पेशल चैनल्स के थ्रू, ठीक है ना, आयन्स। और जब भी मैं साइंस में आपको ये बता दूं पार्टिकल, तो साइंस में पार्टिकल का मतलब तीन चीजों से होता है, ठीक है ना, तीन चीजों से मैंने बता रखा आपको, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन से पार्टिकल मूव करेंगे, वो आयन मूव करेंगे। गैस के भी अपने अपने पार्टिकल होते हैं, आपने सुना होगा गैस के अपने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल्स कहां से कहां मूव करते हैं, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ, ठीक है ना। और वो कौन से प्रोसेस से करेंगे, डिफ्यूजन से करेंगे, चाहे वो सेल के अंदर हो, रूम के अंदर हो, कहीं भी हो। क्लियर है बच्चे, लुभानी सर, आई करेंगे, यस सर, हाँ फिर ठीक है। ये आई का क्या मतलब है, ये पूछ रहे हो क्या आप, चलो ठीक है, और तो कोई डाउट नहीं है। तो ये कौन से प्रोसेस से होगा, CO2 ऑक्सीजन डिफ्यूजन से होगा। चलो कोई बात नहीं, इतना काफी है, फिर मैं कल आपको न्यूक्लियस पढ़ा दूंगा, ठीक है।